ये देखिए, मैंने एक पेपर ले लिया, इसको इसके अंदर मैंने डाला और ये मैंने इसको प्रेस किया, एक बार नीचे प्रेस किया और ये जो मेरे टेबल पे फिट नहीं है इसलिए मैं हाथ से पकड़ रहा हूँ इसको, एक बार ऊपर प्रेस किया, ये फोल्डिंग हो गया। ये देख लो, ये मैं जिसको फोल्डिंग किया था इसको काट लिया मैंने, और ये देखो मैंने इसके अंदर डाला और इसको एक बार नीचे प्रेस किया और उसको एक बार ऊपर प्रेस किया, ऊपर खींचा, ये फोल्डिंग हो गया। तो ये मशीन का काम तो आपको समझ में आ गया, ये चौड़ाई में 5 इंच तक फोल्डिंग होगी एक एक साइड करके। अब मैं आपको इस मशीन का काम दिखाती हूँ, ये जो पंखे के पेपर फोल्डिंग मशीन है, मशीन का काम मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं पहले इसको फिट कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ इसको पहले। मैं तीनों मशीन का ही काम थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बोलिएगा, मैं उस मशीन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना कर चैनल में डाल दूँगा। और ये जो है, ये सामने वाला डाई को भी सेट करना पड़ेगा, इस ये सामने वाला जो डाई है, ये जो दोनों डाई है इसका एडजस्टमेंट सबसे अच्छा से करना पड़ेगा। और इसके साथ में हम रेंज भी दे देते हैं, ए एल की भी हम दे देते हैं साथ में। तो ये देखो ये कैसे फोल्डिंग होती है, ये फोल्डिंग हो गया, ये देखो ये फोल्डिंग हो रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से फोल्डिंग हुआ है, ये देखिए कितने अच्छे से फोल्डिंग हुआ है। कि ये फोल्डिंग किया हुआ पेपर है, इसको मैंने कटिंग करना है मुझे, ये देखिए। ये देखिए ये तो हो गया ये लंबा पेपर। चलो मैं आपको ये जो पेपर है, ये पूरा शीट पेपर है, इसको भी काट के दिखाती हूँ कि ये कैसे काटती है। ये देखिए ये लंबा करके काट लिया, अगर कोई भी साइज का चाहिए तो इसमें साइज दिया गया है, ये देखिए